हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाय एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर माय चाइल्डहुड, बीहाइव बुक, ग्रेड 9 से। आप किसी एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो एक राजनीतिक भी रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। इनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। इन्होंने इंडिया को गाइड किया 21st सेंचुरी में और ये हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट बने 2002 में। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मेरा जन्म जो है वो एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में हुआ था। रामेश्वरम का एक टापू जो है, ऐसा शहर है वहां पर, और वो पहले मद्रास स्टेट में आता था। मेरे फादर जैनुल अब्दीन, ना तो उनके पास बहुत ज्यादा एक तरह से एजुकेशन थी, क्वालिफिकेशन थी, ना उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। इन सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी उनके पास बहुत ज्यादा समझदारी थी और काफी ज्यादा आत्मीयता थी। उनकी जो सही मायने में हेल्प करने वाली लेडी थी वो मेरी मदर थी, आशी अम्मा। मुझे नहीं याद है कि एग्जैक्टली कितने लोगों को हर दिन खाना खिलाया जाता था, पर हाँ इस बात का पूरा यकीन है कि हमारे खुद के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा बाहर वाले जो है हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे। मैं अपने परिवार में कई बच्चों में से एक था, एक ऐसा छोटा सा लड़का जिसके जो लुक्स थे वो काफी अलग थे, और मेरे जो घर के फैमिली के मेंबर्स थे वो काफी टॉल थे और हैंडसम थे। हम अपने एक पुरखों के मकान में रहते थे जो 19 सेंचुरी के मिड में बना था। बहुत अच्छा बड़ा पक्का मकान था, चूने और ब्रिक का बना हुआ, और ये बना हुआ था मॉस स्ट्रीट पे रामेश्वरम में। मेरे फादर जो हैं बहुत सिंपल थे, स्ट्रिक्ट थे, और इस तरह के जो जरूरी कंफर्ट्स होते हैं या जो ऐशो आराम होते हैं उनको जनरली अवॉइड करते थे। जितनी भी नेसेसिटीज हमको प्रोवाइड करी जाती थी, यानी जो भी चीजें जरूरी हैं वो हमको प्रोवाइड करी जाती थी, खाने, दवाइयां और कपड़ों के मामले में। मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो काफी सिक्योर था, अगर मटेरियल वाइज देखें तो भी, और अगर इमोशनल उसमें देखें तो भी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, तब उस वक्त मेरी उम्र जो है सिर्फ 8 साल की थी। आज तक मेरे को जो है ये समझ में नहीं आया कि अचानक से जो टैमरिंड होता है उसकी जो बीज है उनकी डिमांड एकदम से बढ़ कैसे गई मार्केट के अंदर। टैमरिंड यानी जो इमली होती है उसके बीज की डिमांड इतनी ज्यादा मार्केट में कैसे बढ़ गई। मैं जो हूँ उन बीजों को कलेक्ट करता था और फिर जो प्रोविजन शॉप होती है मॉस स्ट्रीट पे, वहां उनको बेच दिया जाता था या बेच के आता था। तो पूरे दिन का जो कलेक्शन था उसमें मुझे लगभग एक आना के करीब मिल जाता था। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे स्टोरी सुनाते थे वॉर के बारे में, और बाद में मुझे वो दीनामणि की जो हेडलाइंस थी उसमें भी देखने को मिल गई। हमारा जो एरिया था वो काफी अलग था, इस वजह से उस पे वॉर का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में इंडिया को मजबूर किया गया कि वो जो है एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करें, यानी जो यूके, यूएसए और रशिया की आर्मीज लड़ रही थी उसमें इंडिया को भी मजबूर किया गया, और इसी वजह से एक इमरजेंसी के जो हालात थे वो डिक्लेयर हो गए। सबसे पहला जो नुकसान एक तरह से हमारे शहर में हुआ वो ये था कि जो रामेश्वरम स्टेशन था वहां पर ट्रेन को रोका नहीं जाएगा। न्यूज़पेपर जो है अब उसको बंडल बनाकर चलती ट्रेन से रामेश्वरम रोड पे फेंक दिया जाता था, रामेश्वरम और धनुषकोडी जो था उसके बीच में। इसकी वजह से जो मेरे कजिन थे शमसुद्दीन, जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर्स को रामेश्वरम में, उनको एक मदद के लिए हाथ की जरूरत थी जो उन बंडल्स को पकड़ सके, और शायद मैंने जो है उस जगह को भरा। शमसुद्दीन की मदद से मैंने अपनी पहली जो इनकम होती है उसको अर्न कर पाया। आधी सदी के बाद आज भी मेरे को लगता है एक गर्व सा महसूस होता है कि मैंने कैसे उस पैसे को पहली बार कमाया था। हर एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कुछ क्वालिटीज होती है जो एक तरह से जो हमारा सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर, साथ ही साथ उसको कुछ इस तरीके से ट्रेन किया जाता है
जो अथॉरिटी फिगर्स होती हैं, यानी जो लोग मेन चलाते हैं, उनके द्वारा कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे में क्या आया? ऑनेस्टी आई, सेल्फ डिसिप्लिन आया, जो मेरे को मेरे फादर से मिला, और मेरी मदर से मेरे को अच्छाई में विश्वास रखना, एक भलाई करना, ये सब चीजों का एक तरह से क्वालिटीज आई। सेम मेरी तीनों भाइयों और बहन के साथ भी हुआ। मेरे तीन फ्रेंड्स थे बचपन के, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तीनों लड़के जो हैं, वो जो एक रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज होती हैं, उनको बिलोंग करते थे। क्योंकि बच्चे थे, इसलिए कभी हमें ऐसा एक तरह से डिफरेंस महसूस नहीं हुआ आपस में, जिस तरह के हमारे धार्मिक डिफरेंसेस थे या जिस तरह का हमारा पालन पोषण था उसमें, क्योंकि बचपन में सब एक साथ ही खेलते हैं। रामानंद शास्त्री जो थे, वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के लड़के थे, जो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े प्रीस्ट थे, यानी पंडित थे। बाद में ये जो पंडिताई है रामेश्वरम टेम्पल की, ये उसने जो है अपने फादर से ले ली थी। अरविंदन जो है वो बिजनेस में चला गया, जिसमें वो जो भक्त लोग आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कराता है उसके लिए। और शिव प्रकाशन जो है वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया सदर्न रेलवेज के लिए। जब एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी हो रही थी, तो हमारी जो फैमिली थी वो बोट्स अरेंज करती थी एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि जो भगवान की मूर्तियां हैं उनको टेम्पल से मैरिज साइट तक ले जाया जा सके, जो कि बिल्कुल पॉन्ड के बीचों बीच में लोकेटेड था, जिसको राम तीर्थ कहते थे, और वो हमारे घर के बिल्कुल पास था। तो जो भी इवेंट्स होते थे रामायण से रिलेटेड, या जो प्रॉफिट की लाइफ है उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते थे, वो बेड टाइम स्टोरीज होती थी, जो ज्यादातर मेरी मदर और ग्रैंड मदर बच्चों को सुनाती थी हमारी फैमिली में। एक दिन की बात है, जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नए टीचर जो है हमारी क्लास में आए। मैं जो हूँ एक कैप पहनता था, जिससे मैं पता चलता था कि मुस्लिम हूँ, और मैं हमेशा फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री के बिल्कुल बगल में बैठता था, जो एक जो सेक्रेट थ्रेड होता है, जनेऊ जिसे कहते हैं, वो पहनते थे। अब ये जो नए टीचर आए थे, ये इस बात को पचा नहीं पाए, इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक हिंदू पंडित का लड़का एक मुसलमान लड़के के साथ बैठा है। अब जैसी हमारी सोशल रैंकिंग थी, इस तरह से नए टीचर ने देखा, मेरे को बोला गया कि सबसे पीछे वाली बेंच पे जाकर बैठो। मुझे बड़ा दुख हुआ, और वही रामनाथ शास्त्री को भी हुआ। उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे को जो है सबसे आखिर की रो में बिठा दिया गया है। उसकी आंखों में एक तरह से आंसू आ गए थे, और ये जो इम्प्रेशन था ये मेरे आज भी माइंड में है। जब मैं पीछे भेजा जा रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। स्कूल के बाद हम जब घर गए और हमने अब ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि जो भी आज बात हुई हमारे स्कूल में, तो लक्ष्मण शास्त्री जो हैं, उन्होंने टीचर को बुलाया और हमारी प्रेजेंस में टीचर से बोला कि ये इस तरह का जो सामाजिक भेदभाव है कि बराबर नहीं हो, या जो एक इनटॉलरेंस है कि तुम इतने छोटे इनोसेंट बच्चे हैं, इनके दिमाग में ये बातें भर रहे हो, तुम एक तरह से जहर फैला रहे हो कि तुम समाज में बराबर नहीं हो, या तुम दूसरे जाति के हो, ये चीज जो है आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने जो है सीधे टीचर से कहा कि या तो तुम माफी मांगो, या फिर स्कूल छोड़ के चले जाओ, और ये हमारा टापू भी। तो इस बात का टीचर को ही नहीं पछतावा हुआ, बल्कि जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने जो है एक तरह से जो ये यंग टीचर थे, इनको अपनी जो एक बिलीफ थी, एक ओपिनियन थी, उससे पूरी तरह से बदल भी दिया था। अगर वैसे देखा जाए तो हमारी ये जो छोटी सी सोसाइटी थी रामेश्वरम की, ये काफी रिजिड थी, काफी अडिग थी, जिस तरीके से सोशल ग्रुप्स है अलग अलग, उनको विभाजित करने में ये काफी अडिग थी। मेरे जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो भी जो है एक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, जिनमें उनकी जो वाइफ थी वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव थी, कैसे कहते हैं, रिवोल्टी टाइप की थी। उन्होंने पूरी तरह से कोशिश करी कि वो जो है सामाजिक बैरियर्स हैं इनको तोड़ सकें, ताकि जो लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, वो आपस में एक दूसरे से आसानी से मिंगल हो सकें। वो मेरे साथ कई घंटे बिताते थे और हमेशा कहते कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो अपने आप को डेवलप करो, और
तुम एक बड़े हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ जो है बड़े बड़े शहरों में उनके साथ उठो बैठो, यानी कि तुम अपने आप को खूब ज्यादा आगे बढ़ाओ। एक दिन उन्होंने मुझे जो है अपने घर पे इनवाइट किया खाने पे। अब उनकी जो वाइफ थी वो काफी ज्यादा जैसे घबरा गई कि एक मुस्लिम लड़का जो है वो हमारा जो इतना पवित्र किचन है उसमें बैठ के खाना खाएगा। तो उन्होंने जो है मना कर दिया कि वो मेरे को अपने किचन में खाना नहीं सर्व करेंगी। तो इस पर जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे उन्होंने जरा सा भी एक तरह से कोई अलग सी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, ना उन्होंने अपनी वाइफ को इस बात पे डांटा, बल्कि उन्होंने खुद जो है अपने हाथों से मेरे को सर्व किया और मेरे साथ बगल में बैठ के खाना खाने लगी। अब उनकी जो वाइफ थी वो हमको पीछे किचन के दरवाजे से देख रही थी। वो ये देख रही थी कि कुछ डिफरेंस हो कि मैं जिस तरह से चावल खाता हूँ, पानी पीता हूँ या फ्लोर साफ करता हूँ खाना खाने के बाद। जब मैं घर छोड़कर जा रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है मेरे को इनवाइट किया कि एक बार फिर से जो है अगले वीकेंड पे मेरे साथ डिनर करे। अब मेरी झिझक को देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एक बार डिसाइड कर लो कि तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स से तो सामना करना पड़ेगा। जब अगले हफ्ते मैं उनके घर पे गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो है वो मुझे खुद अपने किचन के अंदर लेके गई और खाना जो है अपने हाथों से सर्व किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और इंडिया का फ्रीडम जो है एक तरह से तय था तो गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडियंस जो है वो अपना इंडिया खुद बनाएंगे। पूरी कंट्री जो है वो पॉजिटिवनेस से भर चुकी थी। मैंने अपने फादर से इजाजत मांगी कि मुझे जो है रामेश्वरम छोड़कर जाने दें और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो रामनाथपुरम है वहां पर पढ़ाई करने दें। उन्होंने मुझसे कहा जैसे वो कहना चाह रहे हो कि अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत लंबा आगे जाना है, क्या ये जो सीगल होती हैं ये क्या जैसे कहते हैं ना आसमान में उड़ती हैं अकेली बिना नेस्ट के। उन्होंने कहा खलील जिब्रान जो हैं उनकी बात जो है मेरी मदर से कही कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे ही बच्चे नहीं हैं, वो जो लड़के या लड़कियां होते हैं उनका भी एक अपनी जिंदगी होती है जो उनके लिए है, वो उसके सहारे तुम्हारे पास आते हैं ना कि तुम्हारे से। तुम उनको अपना प्यार दो पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार हैं। मतलब ये है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा, आपको अपने जो डिसीजंस हैं थॉट्स हैं उनको जो है पूरा करना होगा। एक ऐसे डिसीजन एक ऐसे थॉट्स जो आप खुद ले सकते हैं। तो आपको अगर चैप्टर अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।